झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए पहला खबर स्टार्ट करते हैं जमशेदपुर से। रोटी बैंक हर माह 50,000 लोगों को करा रहा है भोजन। रोटी बैंक हर माह 50,000 गरीब जरूरतमंद को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है जो वर्ष में लगभग 6 लाख के आसपास है। यह जानकारी रविवार को रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मनोज मिश्रा ने दी। मौका था महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भोजन वितरण कार्यक्रम का। मनोज मिश्रा ने बताया कि विगत 15 जनवरी 2015 से रोटी बैंक ने साक्षी गोल चक्कर में मात्र 10 लोगों को भोजन प्रदान कर इसकी शुरुआत की थी, जो आज विशाल स्वरूप अख्तियार कर चुका है। खबर है धनबाद से। बिल बकाया रखने वाले 2000 लोगों की बत्ती गुल। 5,000 से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत विभाग ने कड़ाई से निपटाना शुरू कर दिया है। पूर्व धनबाद सर्किल में अब तक ऐसे 2,000 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटते हुए उनका मीटर खोल दिया गया है। ऐसे 29,000 से अधिक उपभोक्ताएं हैं जिनका 5,000 से अधिक बिजली बिल बकाया है। इस माह में शेष बचे दिन में इस लक्ष्य को पूरा करना है। धनबाद डिवीजन में 750 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा गया है। धनबाद सर्किल में 9 करोड़ राशि जमा भी हुई है। लोगों को नियोजन से जोड़ रही है झारखंड सरकार झामुमो। यह खबर है धनबाद से। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि वर्तमान सरकार प्रत्येक सरकारी काम में लोगों को रोजगार देने के काम कर रही है। सरकार की जितनी भी ग्रामीण योजनाएं हैं उनमें मशीनों के उपयोग की जगह कामगारों को लगाने का निर्देश दिया गया है। इन्हीं शर्तों के साथ ही निवेदिताएं आमंत्रित की जा रही है। जिला झामुमो उपाधीक्ष मुकेश सिंह ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को केंद्र कमेटी की ओर से यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सरकारी योजनाओं का ग्रामीण इलाकों में जमकर प्रचार प्रसार करें। जिन योजनाओं के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। केंद्र समिति ने इस निर्देश पर पार्टी के लोग लगातार ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं। यह खबर भी धनबाद से ही है। धनबाद जिला किड्स एथलेटिक्स एसोसिएशन का हुआ गठन। धनबाद जिला किड्स एथलेटिक्स एसोसिएशन का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष इत्याक रेजा बताए गए हैं। कुणाल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत 3 आयु वर्ग के प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी। प्रथम आयु वर्ग में 6 से 8 वर्ष, द्वितीय आयु वर्ग में 9 से 10 वर्ष व तृतीय आयु वर्ग में 11 से 12 वर्ष के बीच खेला प्रतियोगिता निर्धारित होती है। साथ ही 6 से 12 वर्ष के बच्चों को एथलेटिक्स के लिए तैयार किया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश में किड्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न होती है। किड्स एथलेटिक्स संपूर्ण विश्व में बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है। धनबाद में इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए सभी खेल शिक्षक व प्रशिक्षक की उपस्थिति में जिला कमेटी का गठन किया गया है। यह खबर है रांची से। सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने की मांग तेज। आदिवासी संगठनों ने केंद्र सरकार को फिर दिया अल्टीमेट्स। इस तारीख को कई राज्यों में होगा रेल रोड जाम। सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर एक बार फिर से रेल रोड चक्का जाम की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार को 30 दिसंबर तक अल्टीमेट दिया गया है। सरना आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं किया गया तो 31 जनवरी को झारखंड, बिहार, बंगाल, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत आदिवासी बहुल राज्यों में रेल रोड जाम किया जाएगा। कल रविवार को रांची के कर्माटोली स्थित धूमगुड़िया में केंद्रीय सरना समिति अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी सेंगल अभियान के नेताओं ने प्रेस वार्ता की ये जानकारी दी। आयोग राशन कार्डधारी जाने किस तारीख तक कर दें अपना कार्ड सरेंडर, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। उपायुक्त ने दी ये जानकारी। लातेहार जिले के सभी सुयोग्य लाभुक को राशन उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त अबू इमरान ने जिले वासियों से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए सुयोग्य सभी व्यक्तियों को उनका हक दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा अयोग्य राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड 31 दिसंबर तक सरेंडर कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह खबर है लातेहार से। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहुंचे लातेहार। बोले गांव व टोले तक पहुंचेगी सरकार की योजना।
गांव और टोले तक सरकार की विकास योजनाएं पहुंचेगी और लोगों को सभी सुविधाएं मिलेगी। राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता के विकास का संकल्प लिया है। राज्य में किसानों की सरकार है। लातेहार पहुंचे झारखंड के खाद्य आपूर्ति एवं वित्त मंत्री डॉक्टर उरांव ने विभिन्न बातें पत्रकार से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य में पैसे की कमी नहीं है, पूर्व के सरकार की गलत निर्णय के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, जिसे बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। जिले में वृद्धा पेंशन पिछले 6 माह में नहीं मिल रही है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी परेशानी थी जिससे बहुत जल्द दूर कर राज्य के सभी जिलों को पेंशन का आवंटन उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह खबर है साहेबगंज से। अब गंगा पर रेल पुल को लेकर होगा आंदोलन। गंगा पुल निर्माण संघर्ष समिति की एक बैठक रविवार को एलसी रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई। इसमें समिति के सभी सदस्यों ने साहेबगंज में मनिहारी गंगा नदी पर सड़क पुल का निर्माण कार्य आरंभ होने पर खुशी का इजहार किया। बैठक को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि गंगा पुल निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा पिछले 30 वर्षों में साहेबगंज एवं कटिहार जिले के जनता के सहयोग से आंदोलन किया जा रहा था। इसके बाद 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पुल का शिलान्यास किया। गंगा पर सड़क पुल का निर्माण कराने में तो सफलता मिल गई, लेकिन आधी सफलता मिली है क्योंकि गंगा पुल में रेलवे लाइन शामिल नहीं किया गया है। इसलिए गंगा नदी पर अब अलग से एक रेल पुल निर्माण के लिए आंदोलन आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का लाभ देने के लिए लगाया गया शिविर। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का लाभ दिलाने के लिए मनगो नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के निर्देश पर स्लम क्षेत्रों व अन्य बस्तियों में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक लाभुक महिला पुरुष का आवेदन फॉर्म भराया गया। यह खबर भी जमशेदपुर से ही है। छोटा गोविंदपुर में विधायक मंगल कालिंदी ने सुनी लोगों की समस्या। जुगल सलाई विधायक क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी रविवार को अपने क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान रविवार को विधायक मंगल कालिंदी जनता की समस्याओं को देखा और सुना। विधायक माननीय मंगल कालिंदी छोटा गोविंदपुर के कांग्रेस नेता बीडी राय के आवास पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। अब कभी भी करे पैसे ट्रांसफर। रविवार रात 12 बजे से 24 घंटे काम करेगी आरटीजीएस सर्विस। अब आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए दिन रात या समय नहीं देखना होगा। रविवार रात 12:30 बजे से ही ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर की सर्विस 24 घंटे यानी 365 दिन शाम करना शुरू कर देगी। किराए पर ले सकेंगे गैलेक्सी स्मार्टफोन। सैमसंग ने शुरू किया 1 साल तक का प्रोग्राम। अब आप किराए पर भी स्मार्टफोन ले सकते हैं। दिग्गज फोन कंपनी सैमसंग ने इसकी शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए कंपनी अपने फ्लैगशिप गैलेक्सी सीरीज के स्मार्टफोन को 1 महीने से लेकर 1 साल तक किराए पर दे रही है। फिलहाल इस स्कीम को जर्मनी में शुरू किया गया है। 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का नियम। आपको जानना है जरूरी। अगले साल की शुरुआत से चेक से पेमेंट करने की नियमों में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। केंद्रीय बैंक ने चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया है। 12 रुपये में 2 लाख पीएम सुरक्षा बीमा योजना के फायदे। करें आवेदन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की साल 2015 में शुरुआत की थी। इस स्कीम में केवल 12 रुपये सालाना के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का कवर का इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये योजना आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए शुरू हुई थी। ऐसे में लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के फायदे के बारे में पता होना चाहिए। कापी आतंकियों की रूह तक। एलओसी पर सेना का सबसे बड़ा हुआ ऑपरेशन।
रविवार को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ताजा जानकारी आई है कि मुठभेड़ में 3 आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जिसमें से 2 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें देश को बड़ी कामयाबी मिली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषणों के संग्रह का किया गया विमोचन। यशस्वी भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंचालक मोहन भागवत के भिन्न भिन्न प्रसंगों पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिए हुए भाषणों का संग्रह है। इस संग्रह में 2018 के सितंबर मास में दिल्ली के विज्ञान भवन में दिए गए 2 भाषणों तथा तृतीय दिन के प्रश्नोत्तरी का भी अंतर्भाव है। राष्ट्रीय स्वयं संघ को समझना वैसे आसान नहीं है, फिर भी लोगों को संघ समझना इस पुस्तक के पठन से आसान होगा। साथ ही उन्हें यह भी स्पष्ट होगा कि विभिन्न विषयों पर संघ का वैचारिक अधिष्ठ क्या है। चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगी भारतीय सेना, अग्नि वर्षा की तैयारी शुरू। लद्दाख LAC पर चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना द्वारा रक्षा रणनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से खबर मिली है कि भारतीय सेना अब दुश्मन देश का सामना करने के लिए पहले से ज्यादा गोला बारूद रिजर्व रखेगी। बताया जा रहा है कि चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से भारतीय सुरक्षा बलों को 15 दिनों के सघन युद्ध के लिए अपने भंडार में अधिक हथियार और गोला बारूद रखने को कहा गया है। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ को 325 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों की तरक्की नहीं देख सकते हैं और उनकी तरक्की से बहुत परेशान है। सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि किसान विकास क्यों कर रहा है, उनके पास पैसे कैसे आ रहे हैं। वे वही लोग हैं जो किसान को भ्रमित करके आंदोलन करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण, कहा मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। योगी आदित्यनाथ के शनिवार शाम इंदिरापुरम के बने कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन कर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर भवन का शिलान्यास वर्ष 2017 में हुआ था। आज इस भवन को लोकार्पित कर आपको सौंपते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कैलाश मानसरोवर भवन बनाने की मांग यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने शासन के सामने रखी थी। किसान आंदोलन की खेती पर गिरे ओले, BKU में फूट। कृषि मंत्री से 29 किसान नेताओं ने कहा कानून वापस न ले। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी संगठन अब आपस में ही सिर फुटबॉल पर उतर गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के नेताओं में तकरार की खबर है। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप ने किसान नेता व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए बिना ही ये आंदोलन किसी भी हाल में खत्म नहीं किया जाएगा। शुरू हुआ सड़कें खोलने का सिलसिला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मीटिंग के बाद खुला चिल्ला बॉर्डर। कृषि कानून के विरोध में पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ किसान संगठन पिछले आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनरत किसान पिछले 18 दिनों से दिल्ली की सीमा पर जमे हुए। आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख एंट्री पॉइंट को बंद कर रखा है, लेकिन अब सड़कें खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हुए नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली चिल्ला बॉर्डर से। चिल्ला बॉर्डर अब खुल गया है, किसान आंदोलनकारी हट गए हैं सड़कों से। कोई डॉक्टर तो कोई है पूर्व सांसद, यह है किसान आंदोलन के वो 8 बड़े चेहरे जिनका खेती से न कोई वास्ता है। दिल्ली में हजारों किसान 17वें दिन से आंदोलन कर रहे हैं। नए कृषि कानून को वापस लेने से लेकर अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुए 6 दौर की बातचीत भी विफल रही। किसान सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हैं कि कृषि कानून वापस लिए जाए।
राव का खुलासा, भारत पर हमले की साजिश, मलेशिया से फंडिंग, ये दो नाम शामिल। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने बड़ा खुलासा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत पर हमले के लिए $2,00,000 की रकम की फंडिंग हुई है। हैरानी की बात है कि ये फंडिंग मलेशिया की है। मलेशिया आधारित एक ग्रुप की तरफ से पैसे भेजे गए। वही जांच रिपोर्ट में इस मामले में दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मामले में आतंक समर्थक जाकिर नाइक और कुआलालंपुर के रोहिंग्या नेता मोहम्मद नसीर के तार भी जुड़े हैं। मोदी के जिस बयान का राहुल गांधी ने उड़ाया था मजाक, आईआईटी ने सच कर दिखाई वो बात। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा का उपयोग करते हुए हवा से पानी निकालने के लिए एक नई तकनीकी विकसित करने का दावा किया है। केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर उत्तम मुन्ना के नेतृत्व वाली एक टीम में उनके रिसर्च स्टूडेंट कौशिक माझी, अभिजीत दास और मंदीपा धर ने रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जर्नल में अपनी रिसर्च प्रकाशित की है। खबर खेल जगत से, रोहित रितिका की शादी को 5 साल पूरे, मुंबई इंडियंस ने खास अंदाज में दी बधाई। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा की शादी को कल 5 साल पूरे हो गए। रोहित शर्मा ने रितिका सहदे के साथ साल 2015 में शादी रचाई थी। इसी दिन रोहित शर्मा ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ मोहाली वनडे मैच में अपने वनडे करियर का तीसरा दोहरा शतक लगाया था। आईसीसी ने ट्वीट कर रोहित शर्मा को इस पारी की याद दिलाया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।